नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लेफ्ट राइट लेफ्ट पर। और ये जो YouTube चैनल है उन सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि अपने डिफरेंट रिटन एग्जामिनेशन जैसे NDA, CDS, FCAT एंड CAPF एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ऑथेंटिक आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जिसके थ्रू आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने SSB इंटरव्यू और जो CAPF का इंटरव्यू होता है उसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट यू विल गेट ऑल द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। तो एक नया सीरीज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी हमारी एक सीरीज ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, PVC अवार्डीज के बारे में। ठीक है, जिसने जिसने परमवीर चक्र जीता हुआ है उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसमें दो चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने जो हमारे फर्स्ट PVC अवार्डी थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है और कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आगे सीरीज कंटिन्यू रहेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सीरीज जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग जो वेपन यूज करते हैं उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है, जो उनके हिस्ट्री है उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, साथ ही साथ जो इंडियन नेवल अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, ठीक है, और OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इन सभी की भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपको नहीं पता होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो इस सीरीज के थ्रू मैं आपको वो सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। मेरे साथ संजय सर भी यहाँ पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जो कि आपके डेली अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर दो लोग यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मेरा नाम है अभिषेक पांडे एंड आई एम क्वालिफाइड UPSC CDS CAPF एंड FCAT एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स, और मैं एक वेरीफाइड और एक्टिव एजुकेटर हूं अन अकेडमी पर। तो आप इस लिंक के थ्रू मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। और मैंने बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज बनाए हैं, आप उनके थ्रू अपने रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे जो को एजुकेटर हैं उनका नाम है संजय कुमार सिंह सर, ठीक है, और ये एक्स इंडियन आर्मी एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिफेंस करेस्पॉन्डेंट, और ये भी एक एक्टिव एंड वेरीफाइड एजुकेटर हैं अन अकेडमी पर। ठीक है, तो आप इनकी ये फोटो देख सकते हैं, इसके पीछे ये इंडियन मिलिट्री अकेडमी का फोटो है। ठीक है, तो देख सकते हैं कितनी मोटिवेटिंग पिक्चर है ये, तो आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी पर। और इनके द्वारा स्पेशली GS के जो कोर्सेज हैं आप उनको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं जो कि बहुत ही यूनिक है, और इनके थ्रू आप अपने डिफेंस एग्जामिनेशन को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करने वाले नंबर प्लेट्स ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल आपके व्हीकल्स होते हैं, जैसे आपके घर में है, जैसे मेरे घर में कोई व्हीकल है, ठीक है, तो उसका नंबर हो गया MP404, उसके बाद ZZ0001, ऐसे कुछ नंबर हो गए। तो नॉर्मल व्हीकल्स जो होते हैं इनके अलग नंबर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ नंबर प्लेट जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, ठीक है, कुछ व्हाइट कलर की होती है, कुछ येलो कलर की होती है, ठीक है, कुछ जो है वो रेड कलर की होती है। जो प्रेजिडेंट और गवर्नर व्हीकल यूज करते हैं उसमें कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है, वहां पर वो रेड कलर की प्लेट होती है और उसमें एम्बलम बना होता है। ठीक है, जो एम्बलम है हमारा वो बना होता है, और व्हाइट जो होती है नॉर्मल पर्पस के लिए यूज की जाने वाली होती है, और येलो जो होता है ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, वैसे ही एक डिफरेंस हमें जो मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं उनकी नंबर प्लेट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन होता है कि इसमें क्या खास बात है। ठीक है, तो इसकी खास बात मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली इस पूरे लेसन के बाद आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले कुछ नॉर्मल नंबर प्लेट्स जो होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो इंडिया होता है ना, जितने भी मोटराइज्ड रोड व्हीकल होते हैं आर असाइंड अ रजिस्ट्रेशन नंबर इशूड बाई RTO ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, जो भी स्टेट है, तो अगर मैं मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश में एक अलग यहां पर ऑफिस होगा, उत्तर प्रदेश में एक अलग ऑफिस होगा। ठीक है, उसी तरीके से हर स्टेट में एक अलग ऑफिस होता है जो वहां पर जो मोटराइज्ड व्हीकल होते हैं रोड व्हीकल उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, उनके बारे में सारी अथॉरिटी होती है। ठीक है, RTO का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो RTO का फुल फॉर्म होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, लोगों को RTO ऑफिस पता होता है लेकिन ये रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है, इसके बारे में नहीं पता होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये एब्रीविएशन होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सारे के सारे यहाँ पर वो पर्टिकुलर स्टेट का जो RTO ऑफिस होता है वो यहाँ पर कंट्रोल करता है। दीज नंबर्स आर विजिबल ऑन द रियर एंड फ्रंट ऑफ द व्हीकल्स। ठीक है, जैसे कोई भी व्हीकल है तो उसके फ्रंट साइड में और बैक साइड में एक नंबर प्लेट लगी होती है जिसके कुछ स्पेसिफिक साइज होता है कि इतने साइज में होना चाहिए। ठीक है, ड्राइंग वगैरह जो आपने देखी होगी, बहुत सारे लोग ड्राइंग बनवा देते हैं और इसमें छोटे से नंबर में देखते हैं, तो जब भी चेकिंग होगी तो फिर ये लोग पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्पेशल कैरेक्टर साइज होना चाहिए, उतने
साइज में ये नंबर लिखे होने चाहिए, ये सारे रूल्स हैं जो हमें यहां पर फॉलो करने होते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ है, नंबर प्लेट्स एज पर द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, ठीक है। जो ये नंबर प्लेट्स होती हैं, इसमें जो भी मैंने यहां पर ये बताया कि इनका साइज ये होना चाहिए, ये किसके अंडर है, ये पूरा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स जो है उसको यहां पर फॉलो करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी ये यहां पर व्हीकल्स होते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा डिफरेंस जो मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं और जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं वो इसमें यही होता है, ठीक है, कि जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं ये किसके अंदर यहाँ पर रजिस्टर होते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर यहाँ पर रजिस्टर होते हैं। अगर मैं मिनिस्टर के बारे में बात करूं तो श्री नितिन गडकरी जी जो हैं, ठीक है, ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। और ये एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहां से, नागपुर से, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मिलिट्री व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो गया कि द व्हीकल्स इन द मिलिट्री आर रजिस्टर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर ये सारे जो व्हीकल्स होते हैं रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। दे कंटेन एंड अपवर्ड पॉइंट एरो, ठीक है। तो अपवर्ड पॉइंटिंग एरो के बारे में मैंने बताया था ना, देखिए ये एरो जो सबसे पहले लगा हुआ है, ठीक है, तो इस एरो के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर क्या होता है, एक अपवर्ड पॉइंटिंग एरो होता है विच इज जनरली फर्स्ट और थर्ड कैरेक्टर फॉलोड बाई द लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर। तो ये पहले नंबर पे भी हो सकता है, थर्ड नंबर पे भी हो सकता है, ज्यादातर के केसेस में आप देखोगे कि ये पहले नंबर पे ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आगे के जो दो डिजिट होते हैं ये किस साल यहां पर मैन्युफैक्चर किया गया है या इंपोर्ट किया गया है वो होता है। जैसे ये 2016 है, ठीक है, क्योंकि देखिए 2016 लिखूंगा तो लास्ट टू डिजिट कौन से आ गए, 16। तो एरो के बाद यहां पर 16 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2016 में इसको मैन्युफैक्चर किया गया या फिर इसको इंपोर्ट किया गया, ठीक है, दोनों हो सकता है। अगर मान लीजिए बाहर से हम कोई गाड़ी मंगवा रहे हैं तो उसमें भी क्या करेंगे, हम एरो लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी इस साल कोई गाड़ी आएगी तो उसमें क्या होगा कि एरो साइज, उसके बाद ये 19 लिखा होगा, ठीक है। तो ये जो एरो के बाद वाले जो दो डिजिट होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि किस साल में उसको मैन्युफैक्चर किया गया था या फिर इंपोर्ट किया गया था। द नेक्स्ट इज द बेस कोड फॉलोड बाय द सीरियल नंबर व्हीकल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो नेक्स्ट होता है ना वो होता है बेस नंबर। जैसे मान लीजिए कि ये 12 जो है ये क्या है, ये बेस नंबर है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं। तो ये हो गया आपका एरो, उसके बाद ये हो गया ईयर, ठीक है, ये ईयर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये बेस नंबर हो गया, बी स्टैंड फॉर बेस नंबर, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी सीरियल नंबर दिया जा सकता है। उसके बाद ये जो है ये क्या होता है, ये व्हीकल नंबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेस नंबर, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है ये होता है व्हीकल नंबर, ठीक है, तो व्हीकल नंबर ये हो गया। और उसके बाद ये जो होता है ये डिफाइन करता है कि टाइप क्या है, टाइप ऑफ जो यहाँ पर व्हीकल है, ठीक है, ट्रक है तो ट्रक होगा, कार है तो कार है, तो उस तरीके से ये टाइप जो होता है उसको डिफाइन करता है। तो सबसे पहले एरो हो गया, फिर उसका ईयर कौन से ईयर में उसको मैन्युफैक्चर किया गया या इंपोर्ट करवाया गया, फिर बेस नंबर होता है, फिर व्हीकल नंबर होता है, उसके बाद टाइप ऑफ व्हीकल होता है। तो ये पूरा का पूरा सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। द लेटर एंडिंग आफ्टर द सीरियल नंबर इंडिकेट द क्लास ऑफ द व्हीकल, क्या व्हीकल की क्लास है इसके बारे में यहां पर बताया जाता है। तो आई होप ये नंबर किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। जैसे अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए ये एरो साइन हो गया यहाँ पर, ये है, ठीक है। उसके बाद ये 2003 में बना है, ठीक है, 2003 का ये इसका ईयर हो गया। उसके बाद ये जो है ये क्या है, ये इसका बेस नंबर है, ठीक है, बेस नंबर है। उसके बाद ये हो गया व्हीकल नंबर, ठीक है, तो ये व्हीकल नंबर हो गया यहाँ पर। और ये क्या है, ये क्लास ऑफ द व्हीकल हो गया कि ये क्लास कौन सी है। तो इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे नंबर को यहाँ पर रीड करते हैं। तो अगली बार जब भी आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि किस तरीके से आपको इसका मीनिंग जो है उसको इंटरप्रेट करना है। अब जो ये एरो साइन है इसका मतलब क्या होता है, द एरो बिफोर द ईयर ऑफ प्रोक्योरमेंट इज कॉल्ड ब्रॉड एरो, ठीक है। वो जो एरो होता है उसको बोलते हैं ब्रॉड एरो, विच इज यूज इन द पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ टिल डे, ठीक है। तो यहां पर जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, आपको पता है कि ब्रिटिश सर्स ने यहां पर रूल किया है, तो उनके व्हीकल्स में भी ऐसे नंबर जो है यूज किए जाते हैं। तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में आज भी ये एरो जो है ब्रॉड एरो ये यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि द एरो प्रिवेंट द नंबर फ्रॉम बींग रीड रॉन्गली, मान लीजिए कि कभी गाड़ी जो है आपकी पलट गई, ठीक है, जैसे उल्टा हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो गाड़ी उल्टी हो गई, तो आप नंबर को गलत ना पढ़ लो, ठीक है। गलत ना पढ़ने के लिए ये एरो साइन दिखाते हैं। एरो साइन का मतलब हुआ कि ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन है, एरो का साइन इस तरीके से है। तो अगर आप नंबर को उल्टा पढ़ते हैं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि 6 लिखा हुआ है, इस तरीके से गाड़ी उल्टी हो जाएगी तो ये 9 दिखेगा ना। तो इस चीज को रोकने के लिए यहां पर ये जो एरो साइन है इसका यूज किया जाता है। दैट एरो मार्क इज नॉट जस्ट यूज इन द नंबर प्लेट्स ऑफ आर्मी व्हीकल बट ऑल्सो यूज द प्रॉपर्टी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। केवल ये जो एरो साइन है ये व्हीकल्स में यूज नहीं किया जाता, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रॉपर्टी है ना उसमें भी इन
जो एरो है इसका यूज किया जाता है। बेसिकली ये हमने कहां से कंटिन्यू किया, ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में यूज किया जाता था और वहीं से हम इस चीज को आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। दीज नंबर प्लेट जनरली कंटेन अ ग्रीन बैकग्राउंड और ब्लैक बैकग्राउंड। जब मैंने आपको पहली फोटो दिखाई थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था, देखिए ये बैकग्राउंड कैसा है, ये ब्लैक बैकग्राउंड है, ठीक है। तो यहां पर ग्रीन बैकग्राउंड भी हो सकता है, यहां पर ब्लैक बैकग्राउंड भी हो सकता है, ठीक है। आर्मी के केस में, एयरफोर्स के केस में अलग कलर होगा, नेवी के केस में अलग कलर होगा, ठीक है। दीज आर यूज बाई द ऑफिसर और देयर किन ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पज, ठीक है। तो जो भी ऑफिसर्स हैं उनके जो किन हैं वो इसको केवल ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। जो नॉर्मल व्हीकल हैं जैसे कोई ट्रक है तो इसको भी ऑफिशियल पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं। देर आर एडिशनल प्रिविलेजेस लाइक नॉट हैविंग टू स्टॉप एट ट्रैफिक सिग्नल्स दैट दीज व्हीकल्स इंजॉय, ठीक है। तो जो आर्मी व्हीकल्स होते हैं, मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं, इनको ट्रैफिक सिग्नल पे रुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर रुक जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं रुकते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, चालान नहीं काटा जाएगा। मोस्ट ऑफ द मोटर व्हीकल्स डज नॉट अप्लाई टू आर्मी व्हीकल्स एंड नाइदर डू सीएमवीआर, ठीक है। जो मैंने आपको सीएमवीआर पहले बताया था ना, ठीक है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, तो ये हमारे आर्मी के जो व्हीकल्स होते हैं, मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल रूल्स है, जो नॉर्मल व्हीकल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, वो मिलिट्री व्हीकल्स के ऊपर अप्लाई नहीं किए जाते। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जब मैंने आपको स्टार्टिंग में फोटो दिखाई थी, ठीक है, आप इस फोटो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, ये 5 स्टार रैंक लगी है, ठीक है। तो आपको पता है यहां पर 5 स्टार भी हो सकती है, 4 स्टार भी हो सकती है, 3 स्टार भी हो सकती है। तो मैं आपको कलर पहले बताऊंगा कि कौन से कलर यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आर्मी में एक अलग कलर यूज होगा, नेवी में अलग कलर, जैसे आर्मी में बात करूं तो रेड कलर यूज होता है। तो अगर मान लीजिए कि केवल 1 स्टार यूज हुआ है, तो 1 स्टार का मतलब हुआ कि वो किसकी गाड़ी है, वो ब्रिगेडियर की गाड़ी है, ठीक है। अगर 2 स्टार यूज हुआ है तो वो किसकी गाड़ी है, वो हो गई हमारी मेजर जनरल की गाड़ी, ठीक है। तो मेजर जनरल की गाड़ी हो गई यहां पर। उसके बाद अगर 3 स्टार यूज किया है हमने, 1 2 3, अगर 3 स्टार यूज किया, ये 2 स्टार है, ठीक है, 2 स्टार, वेट अच्छे से करते हैं इसको। तो अगर मान लीजिए कि 2 स्टार यूज किया गया है तो किसकी गाड़ी है, वो मेजर जनरल की गाड़ी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 स्टार, और 3 स्टार जो है ये लेफ्टिनेंट जनरल की गाड़ी हो गई, ठीक है। तो ये डिफाइन करने के लिए कि भाई कौन गाड़ी में बैठा है, किसकी गाड़ी है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। 3 और ये 4, तो 4 है तो ये जनरल जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, ये उनकी गाड़ी हो गई। और अगर ये 5 स्टार हैं तो जो हमारे फील्ड मार्शल होते हैं, ये उनकी गाड़ी है, ठीक है। और ये तो आर्मी के बारे में बात कर ली। अगर यही चीज आप यूज करोगे तो क्या होगा कि एयरफोर्स में भी आप यूज कर सकते हो, नेवी में भी, जो भी इनकी इक्विवेलेंट रैंक है उसमें यूज किया जा सकता है। अगर गाड़ी में ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल या फील्ड मार्शल नहीं बैठे हैं तो उसे क्या किया जाता है, कवर कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर 1 स्टार लगा है, अगर वो गाड़ी में नहीं बैठे हैं तो इसको क्या करेंगे, आप कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये मिलिट्री व्हीकल्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, और मैंने यहां पर अच्छी तरीके से बता दिया कि किस तरीके से आप इन कोड्स को रीड करेंगे, ठीक है। इसके जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर करूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और वहां पर जो भी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करते हैं हम, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके साथ शेयर करते हैं, उन सभी चीजों को आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन के लिए वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा कंप्लीट लेसन, जिसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में, उनके व्हीकल से रिलेटेड, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके के लेसन मैं आगे भी आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।